बेटा तो पहला चैप्टर पहला अध्याय है वास्तविक संख्यामा। वास्तविक संख्यामा भी सब तो पहला तो एक चीज की पढ़नी है, यूक्लिड वंड विधि। यूक्लिड वंड विधि ऐसी छोटी क्लासा में भी पढ़ी हुई है जिसनों अपना विभाजन सूत्र कहते सके, वही यूक्लिड वंड विधि बन गई है। यूक्लिड वंड विधि की कहती है, कहती जे किसी भी डिजिट नू जिदा नौ नू चार नाल भाग कर रहे हैं तो चार दूनी अठ एक बाकी, ये थोड़े को होंगे या बाकी, ये होगी भाग कंप्लीट। हूँ इस भाग में चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, फिर कितना चेक करूँगा। तरीका की होंगे या इस रकम इसनों तो इसनों गुणा करके चार दूनी अठ तो ये जोड़ के चार दूनी अठ से एक नौ नू प्राप्त किया जा सकता है। जेकर इनू तो इनू गुणा करके विच आ जोड़न ते नौ मिलता है तो भाग सही की नहीं तो गलत की है, यही चीज़ बन गई थोड़ी यूक्लिड वंड विधि। जिवें मान लो किसी ए संख्या नू बी संख्या ना भाग कर रहे हैं तो जिहड़ा साढ़े कोल भागफल क्यू ते रिमाइंडर या बाकी आर मान लिया जाए तो ए प्राप्त करने लई सानू बी ते क्यू नू की करनी पैनी है गुणा ते आर नू पैना जोड़। ए बराबरे बी गुणा क्यू, गुणा का साइन पाने की लोड़ नहीं होंगी, ए बराबरे बी क्यू जमा आर। ठीक है, हुण आर तुहानू कितना पता लगता है कि ये बाकी है, जदों आपकी रकम इस रकम तो छोटी हो जाए तो आप कहने बाकी, इस करके आर हमेशा बी तो छोटा होंगे है, बी रकम तो छोटा, पर आर हमेशा जीरो जीरो तो वड्डा ही होंगे क्योंकि बाकी कदम माइनस नहीं होंगे। तो ये यूक्लिड वंड विधि चंगी तरह याद कर लेनी है कि दित्तियां हुई हैं दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां, कोई भी दो संख्यावां दित्तियां होणगियां भाग करने तो दो संख्या दित्ती होंदी ना ए ते बी, ए नू बी नाल भाग करना है, तो जब तुसीं भाग करते हो ऑटोमैटिकली अपने आप ही एक भागफल ते एक बाकी आ जाता है। तो उही कह रहा है कि लई दो वक् वक् पूर्ण संख्यावां क्यू ते आर होंदियां हन ताकि ए किहदे बराबर आ जाए बी क्यू जमा आर ते, आर दी लिमिटेशंस की ने, आर किन्ना छोटा तो किन्ना वड्डे तो वड्डा हो सकता है वो याद रखना है कि आर जीरो या जीरो तो वड्डा, इस करके इतने थले भी एक निशान जो देख रहे हो ना जीरो तो वड्डा तो जीरो के बराबर, पर बी के बराबर नहीं हो सकता, बी तो छोटा ही हो सकता, इस करके इतने साइन नहीं आया। तो ये है थोड़ी यूक्लिड वंड विधि का फार्मूला जो तुसी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए बराबर बी क्यू जमा आर, जदों आर की होगा जीरो तो वड्डा या बराबर पर बी तो छोटा। हूँ देखो बेटा अभ्यास 1.1, जो पहला प्रश्न है कि हेठ दित्तियां संख्यावां का मासव पता करने लई यूक्लिड वंड विधि का प्रयोग करो। मासवां नूं आपां इंग्लिश एच सी एफ हाईएसट कॉमन फैक्टर भी बोल दें। ठीक है, हुण यूक्लिड वंड विधि की मदद नाल आपां एच सी एफ या मासवां फाइंड आउट करना है, वो ध्यान नाल देखो कितना करना है। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, तुसे कुछ नहीं करना है, इन्हां दोनों विचों जिहड़ी वड्डी रकम है वह भाग के अंदर लिख देनी है तो जिहड़ी छोटी रकम है वह भाग के बाहर लिख देनी है। ठीक है, उस तो बाद 135 का पहाड़ा पढ़ना है, हुण जरूरी थोड़ा है कि तुहानूं 135 का पहाड़ा आंदा होएगा। ठीक है ना, तो कई बच्चों की गुणा बहुत सोहनी है, वो 135 नूं 2 नाल 3 नाल 4 नाल गुणा कर लेंगे है, तो कई साढ़े विच कई बच्चे इदां दे भी होंगे जिन्होंने 135 नूं गुणा करन दे विच भी दिक्कत आ जाती है, तो उन्होंने वास्ते मैं एक सौखा तरीका दस रहा, तुसी कुछ नहीं करना 135 का पहाड़ा लिखना है। किदा 135 दे विच 135 जोड़े कितना आ गया, देखो 270, तो 135 एकम 135, 135 दूनी 270, मैं अगे नहीं जोड़ किया क्यों, क्योंकि मेरे को 225 सी बेटा, जो मैं देखा कि 135 दूनी 270 होंगे आ तो भाग तो मैं आँदी है, 270 तो इतने आ ही नहीं सकता, इस करके 135 एकम 135 लिख लिया गया, 5 तो 5 घटाया 0, 2 दा हासिल लैके 12 चो 3 गए 9, हुण आ 90 आ गया, ये तो छोटा हो गया ना 90, ये तो मतलब 90 की कम करूँगा 90 बाकी का कम करूँगा, थोड़ी इन्नी भाग खत्म हो चुकी है, आ एक भाग थोड़ी खत्म हुई है। हुण की करना है जिहड़ा बाकी है उहदे नाल ही दोबारा भाग शुरू करके आ वाला 135 थले ले आना है, ध्यान नाल देख लो बेटा बाकी दे अगे भाग लगा के 135 ने विच आ जाना है, तो इट मीनस हुण सानू केड़ा पहाड़ा पढ़ना पैना है 90 का, तो इस करके हुण देखो मैं फिर 90 का पहाड़ा लिखन लगा, 90 एकम 90
90 च 90 जोड़ 180, 90 दुनी 180, तो मेरे को 135 है, इदा 90 एकम 90 ही आएगा। 5 सेम आ गया, 13 चुनों के 4, 45 फिर बाकी बन गया, साढ़ी दो भाग खत्म हो गई। हूँ 45 तो फिर भाग शुरू, 90 अंदर चला गया। 45 का पाड़ा सारे आता ही सगा, 45 दुनी 90 होंगे, इस करके लिखने की लड़ नहीं पी, नहीं आता तो लिख सकते हो। हूँ साढ़े को बाकी कि आ गया 0। जो बाकी 0 आ जाए उस टाइम जिस अखर ने भाग की होंगी है उही साडा मासावा होंगे है, तो मासावा कि आ गया 45। हूँ दसो भाग कि हुई, तीन भाग हुई ना। हूँ तिने भाग में आप जो पिछे मैं तुम्हें यूक्लिड वंड विधि द्वारा दसाया उस तरीके लिखना, कि 225 कि प्राप्त होंगे सगा, 135 तो एक की करते अपना गुणा तो 90 प्लस। तो देखो एक 225 प्राप्त करने लिए 135 गुणा 1 जमा 90। दूजी भाग हूँ 135 प्राप्त करने लिए की करना पैना, 90 गुणा 1 जमा 45। तो 135 प्राप्त करने लिए की लिखा मैं इतने गलत हो गया बेटा, 90 गुणा 1 करना है, 90 गुणा 1 जमा 45। फिर हूँ 90 प्राप्त करने लिए 45 गुणा 2 जमा 0, तो 45 साडा की बन गया महासभा। आ गई समझ चंगी तरह? ठीक है, हूँ देखो अपना दूजा भाग है 196 और 38,220। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं बेटा, ध्यान ना देखियो, वड्डी रकम बेच लिख ली गई है, 196 नूं बाहर लिखा गया है। हूँ ये वड्डी रकम बहुत वड्डी है, इनू प्रोपर भाग करो, जिदा तुम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं करते आ रहे हो, नवा काम नहीं करना। सीधा नहीं लगना कि 196 के पाड़े से 38,000 कदों आता है, सिंपल भाग जिदा तुम करते हो। तो मैं हूँ 196 का पाड़ा लिखना सीगा, तो मैं 196 एकम 196, ठीक है ना। फिर 196 के 196 जोड़े 392 आए, इतने 392 लिखता, फिर 196 जोड़े 588 इतने लिखता, फिर 196 जोड़े जोड़ सारे चंगी तरह आँदी है 784 इतने लिखता, फिर 196 जोड़े 980 इतने लिखता, फिर 196 जोड़ता चला गया जदों तक मेरे को तीन, हूँ देखो 382 आ, 382 है ना, तो 96 एकम 96, 96 दूनी 392, तो मतलब एक तो आऊगा, तो एक तो मैं 196 लिखता, माइनस की 186 उपरों की उतर गया 2, 1862। हूँ ये पाड़ा इस करके मैं वड्डा किया क्योंकि मैंने पता सी रकम ज़्यादा ने तो भाग की लोड़ पैनी है। हूँ 1862 के लागे छागे चलने लिए देखा तो मैं इतने 1764 से आकर रुक गया, वो कदों आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से, तो 9 से मैं 1764 लिखा, घटाया तो 98 बच गया, उपरों 0 रद्द गई। हूँ 980 लभन लगा तो 980 लभ गया मैंने 5 से, यदि मतलब 5 से 980 भाग खत्म ही हो गई, बाकी आया ही नहीं, आता तो मैं अगे भाग करता ना, इट मीनस मेरी भाग इतने ही खत्म हो गई, इट मीनस 196 ही मेरा मासावा होगा, तो मेरी भाग सिर्फ एको ही हुई है, यदि मतलब 38,220 प्राप्त करने लिए मैं करना पैना, इन दोनों की करनी पैनी है गुणा तो 0 जमा। देखो 38,220 प्राप्त करने लिए 196 195 गुणा की जमा 0 किया, तो जिदे भाग की हुई मेरा की बन गया मासावा बन गया। ठीक है, यदा तीजा भाग देखो तुम ध्यान न 867 से 255 से, मैं 867 में बिच लिखिया तो 255 बाहर। हूँ 255 का पाड़ा पढ़ना सीखा, 255 एकम 255, 255 के 255 जोड़े 510, हजे भी छोटा आया 510, फिर 255 जोड़े 765, तो 765 भी ये तो छोटा सीगा, एक होर जोड़ के देख लिया तो वो 1,000 टप गया, इट मीनस मेरा 765 ओके आ, 1, 2, 3 से मैं 765 लिख लिया, 705 गए 2, 6 तो 6, 0, 1, 102 मेरा बाकी बन गया क्योंकि 255 तो छोटा सीगा, मैं दोबारा भाग शुरू की 255 विचकार लिख लिया, 102 दोना गुणा की 204, 504 गए 1, 5 0 गए 5, फिर बाकी आ गया क्योंकि 102 तो छोटा हो चुका सीगा, तो फिर आप भाग शुरू की 102 ले गए, 51 दूनी 102 ही होंगे आप करके देख लिया सीगा। मैं हर बारी देखो तुम्हें पाड़ा लिख के दिखाया, हूँ थोड़ा अखीरला जोड़ा अखर से जिन्हें भाग की गई सी वो 51 सीगा, इस करके साडा मासावा 51 होगा, पर साडिया को तीन भागा हुई हैं, इस करके 867 प्राप्त करने लिए सानू 255 के 3 की करनी पैनी है गुणा 102 जोड़, देख सकते हो तुम, फिर 255 प्राप्त करने लिए 102 दोना गुणा करनी पैनी है, तो जमा करना 51, ठीक है, फिर 102 प्राप्त करने लिए 51 गुणा 2 जमा 0, तो इस तरह 51 साडा की बन गया आंसर। ये थोड़ा पहले अध्याय की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होया, चंगी तरह देखो, नहीं समझ आया तो दोबारा भी पूछ सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हैगी, क्लियर है बेटा। अध्याय एक का अभ्यास एक पॉइंट एक का दूजा सवाल बेटा, ये सारा सवाल मैं तुम समझा रहा, इन्ह सवालों ध्यान समझो,
इस वीडियो नूं जे तुहानूं वीडियो च सारे सवाल समझ लग रहे हैं तां उहनूं लाइक भी करो ते मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। सबसक्राइब करन नाल मेरे अगली जिन्नी भी वीडियोज़ होणगी वो ऑटोमैटिकली तुहाडे कोल आ जाणगी, तुहानूं लभणियां नहीं पैणगियां कि सर ने कदों कदों वीडियो बनाउणगे, ते सानूं पता कितना लगेगा। सबसक्राइब करन नाल जदों भी मैं वीडियो बना के सेंड करूँगा तुहाडे कोल, तुहाडे मोबाइल दे विच उहदी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ते लाइक करन नाल सिर्फ यही है कि मैनूं मोटिफिकेशन मिलदी है कि मेरे वल्लों बनाई गई वीडियो बच्चों को समझ लग रही है, तो मैं हो वध चढ़ के होर वीडियोज़ बनावा तो तुहाडा लाभ हो गया। देखो हुण क्वेश्चन नंबर जिहड़ा 2 है, दिखाओ कि कोई भी धनात्मक टाक संपूर्ण संख्या 6Q+1 जां 6Q+3 जां 6Q+5 दे रूप दी हुंदी है, जिथे क्यू कोई संपूर्ण संख्या है। जे सोचा जावे ना बेटा, तो कोई भी तुसीं संख्या लै लो, मतलब जिदा 9 लै ली, 9 नूं 6 नाल भाग करोगे देखो बाकी की बचूगा, 3 बचूगा। वो भी यही कह रहा, कहिंदा है कोई भी संख्या लै लो तुसीं 6 तों वड्डी, 6 नाल भाग कर रहे हो तो 6 तों वड्डी लोगे ना, 6 तों वड्डी कोई भी संख्या लै लो, उहदे बाकी जां तां 1 बचूगा जां 3 बचूगा जां 5 बचूगा, पर कि टांक संख्या होनी चाहिए है। टांक मतलब जी दो दाड़े पर नहीं आती, 11 लोगे तो 6 कम 6 बाकी बचूगा 5, ठीक है ना। तो इनू आप हम सिद्ध करना है, किदा करना, देखो मैं यूक्लिड बंडविधि का फॉर्मूला लिख लिया जोड़ा तुम याद कर चुके हो, मेरे वालों याद कराया जा चुका है। ए बराबर है BQ+R, तो आर 0 तो व्डा तो बराबर पर बी तो छोटा, ये तुम याद करना पैना बेटा। हूँ ये देखो क्यू दे कौन आ 6, थोड़े को क्यू दे कौन आ बी, तो तुम बी 6 मान लेना है, तो मान लो बी कि होया 6। सवाल के जे इतने 4 हों तो 4 मानना से, ठीक है। हूँ जे इतने 4 6 आ गया बी, यदा मतलब हूँ इतने बी इतें ही सगा, तो बी इस पूरे फार्मूले बी दो थां होंदा, एक क्यू दे नाल एक आर दे लगे, दोनों थां 6 लिख लिया। यदा मतलब हूँ आर जड़ा है वह 0 ते 6 दे विचकार जां 0 दे बराबर हो सकता सगा, यदा मतलब आर 0 भी हो सकता, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी ते 5 भी, 6 तो छोटा छोटा लैना सगा। हूँ की करना है, आ रकम देख रहे हो, इस रकम के जिथे जिथे आ रहा उत्थे 0 1 2 3 4 5 पा देना। जे आर 0 होया तो 6Q+0, 6Q+1, आर नू 1 भरया, 2 भरन वेले 6Q+2, 3 भरना तो 6Q+3, 4 भरना 6Q+4, 5 भरना 6Q+5, लिख लिया ना। हूँ 6Q+0 तो 6Q होंगे। हूँ देखो ये जित संख्या है, क्योंकि 6 2 दे बढ़ते आता है, तो बस तुझे हूँ लिखना यही जित संख्या है। इतने 1 आ गया टाक संख्या है, 2 ते 6 दोनों एडजस्ट है, ये जित संख्या है टाक संख्या है, जिस संख्या है टांक संख्या है। हूँ दसो उन्हें सू टांक लभन क्या, एक आ टांक आ, एक आ टांक आ, एक आवरी टांक आ, कि 6Q+1, 6Q+3 ते 6Q+5, उन्हें भी यही कहा कि 6Q+1 ते 6Q+3 ते 6Q+5 ही टांक होनगियां। तो इस तरह कोई भी धनात्मक टांक मेरे इस तरह सारा क्वेश्चन, कोई भी धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या के रूप विधि होंगी है जिथे क्यों कोई संपूर्ण संख्या हो, ये तुहाडा आंसर आया। किता की है, बस एक यूक्लिड वंड विधि का फॉर्मूला लिख के बी नू 6 भरया, 6 भरन का मतलब है कि आर 6 तो छोटा होगा, मतलब 0 तो शुरू करना आर हमेशा ही 0 1 2 3 4 5, तो इस फॉर्मूले के जिथे जिथे आर है उत्थे तुसी 0 तो लैके 5 तक की गिनती भरनी है आर की थान, और जिस्त टांक लिख के जे उन्हें टांक पूछी है तो टांक वाले आंसर दे देने हैं, तो जे जिस्त पूछी होंगी तो जिस्त वाले आंसर दे देंगे। क्लीयर बेटा, ध्यान ना सुनना है, ये मैं सारी वीडियो थोड़े लिए बना रहा चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज, तो तुसी ध्यान ना सुन के मैनू दसना है, दसना कितना है लाइक करके, तो अगली वीडियो कितना पानी है सबसक्राइब करके, ठीक है बेटा। हमारा अध्याय 1.1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है, मैं उम्मीद है कि तुसी सबसक्राइब भी कर चुके होंगे, तो वीडियो जो चंगी लग रही है लाइक कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन से देखो, किसी परेड विच 616 आदमियों वाली एक सेना की टुकड़ी ने 32 आदमियों वाले एक सेना बैंड के पिछे मार्च करना है, दोहां समूहों ने बराबर गिनती वाले स्तंभों विच मार्च करना है। हुण ये ध्यान रखना बेटा, ये सब तो मेन चीज़ है कि बराबर गिनती, जदों भी बराबर गिनती का क्वेश्चन आ जाए, वध तो वध बराबर गिनती के नाल नाल वध तो वध लिखा आ जाए, तो तुसी हमेशा मासावा ही कढ़ना है, कुछ होर नहीं कढ़ सकते, ठीक है। हुण इस सवाल दे विच आपां मासावा कढ़न लगे हैं, क्यों, क्योंकि सानूं बराबर गिनती भी लिखा गया है तो वध तो वध भी लिखा गया है, तो फिर मासावा किहदे विच कढ़ांगे, 616 ते 32 दे विचकार, ठीक है। कढ़न का तरीका फिर उही सेम दिता है बेटा, 616 वड्डी रकम विच ते 32 छोटी रकम बाहर। हुण 32 का पाड़ा गिनना सीगा,
बत्ती का पड़ा लिखने लिए देखो बत्ती बत्ती च बत्ती जोड़िया चौंह चौंह इतने लिख लिया, फिर बत्ती जोड़िया छियानवे इतने लिख लिया, फिर वो बत्ती जोड़िया 128 फिर इतने लिख लिया, फिर बत्ती जोड़िया कॉन्टीन्यू थोड़ी देर तक लिखते चले गए। ठीक है, हूँ सब तो पहला इंक्वायरी आई 61 काट दी, ये काट तो छोटा बत्ती खुद ही है, बत्ती एकम बत्ती 11 चौदह हो गए 9, 5 तो 3 गए 2 उपरों 6 उतार लिया। 296 तक जाने लिए ही मैं इस पहाड़े में ज़्यादा देर तक लिखा सीगा, हूँ 288 बहुत ही क्लोजर है 296 दे, इस करके 288 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 288 आ रहा है, तो 9 ते 288 लिख लिया, बाकी बच गया 8, ते तुहाडी भाग खत्म हो गई, 8 तुहाडा बाकी हो गया, इस करके भाग दोबारा शुरू की गई ते अब 32 विचकार आ गया। 8×4=32, ये पहाड़ा लिखने की लोड़ नहीं है मेरे ख्याल में, तुहानू पता होगा, इस करके 8 साडा महासभा आ गया, ते साढ़े को जो पूछा गया सीगा स्तंभा की वर्त वर गिनती 8 हुई। हूँ लिखना कितना है साढ़े को पाग किनिया आई हैं 2, तो 616 प्राप्त कितना होएगा 32×19=8, देखो ते 32 कितना प्राप्त होएगा 8×4=0, तो महासभा कितना हो गया 8, तो स्तंभा की वर्त वर गिनती भी कितनी होगी साड़ी 8 हो गई है। ये तीजा क्वेश्चन सीगा साडा, उम्मीद है कि तुहानू पहले 3 सवाल पहले चैप्टर के बहुत ही वधिया तरीके आ चुके होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, सवाल सिर्फ देखने नाल जां सुनने नाल नहीं होने, वीडियोज़ नू देखिया चंगी तरह सुनिया और तो बाद अपनी रफ कापी उठा के उहदे उत्ते तिने सवाल दोबारा सोल्व करो, नहीं निकलते आ दोबारा वीडियो देखो कि मेरे तो गलती की हो रही है, फिर दोबारा सोल्व करो, तुहाडी ते प्रैक्टिस ही तुहानू वधिया तो वधिया नंबर दिवा सकदी है बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। हूँ बेटा साडा 1.1 अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4th चल रहा है, 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी तुहानू करा चुके हैं, उम्मीद है तुहानू चंगी तरह समझ आ रही होएगी, तुहाडे लाइक्स मैनू मोटीवेट कर रहे हैं, मैं होर वधिया तरीके नाल तुहानू समझाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद है तुसीं सबसक्राइब मेरे चैनल नू कर दिता होएगा, ताकि मैं हूँ 4th तो बाद जो 5th क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली तुहानू पता लग जाए कि मैं 5th की वीडियो अपलोड कर दिती है। हूँ चौथे क्वेश्चन जी वो कह रहा है यूक्लिड वंड प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाओ कि किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या का वर्ग किसी संपूर्ण संख्या एम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन देख के सारे बच्चे कहते हैं कि साढ़े तो नहीं हो सकता, क्वेश्चन टफ नहीं है, हाँ एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत घट वारी आया है, शायद अजे तक पंजाब बोर्ड आया ही नहीं। ठीक है, पर करना तो चाहिए ही है ना, क्योंकि असी सिर्फ 10वीं ही नहीं पास करनी, असी अगे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव लैवल भी पास करने हैं, तो यूक्लिड वंड प्रमेय का प्रयोग करना है, तो फटाफट मैं यूक्लिड वंड प्रमेय लिख लिया जो कि तुम याद किया ए बराबर BQ/R, आर 0 तो वड्डा दे बराबर बट बी तो छोटा। हूँ मैं तुम्हें समझा चुका सी ऑलरेडी कि इतने एम दे नाल देखो की लिखा है 3, तो मेरे दूजे सवाल च 6 लिखा सीगा, तो मैं 6 मनिया सीगा ना, तो हूँ मैं बी नूं की मान लिया देखो 3 मान लिया। ठीक है, तो जे बी तीन मनिया तो इतने तो इतने 3 लिखा, आ देखो 3 लिख लिया, तो हूँ जो इतने 3 है तो 3 तो छोटी रकम तो आती है 0, 1 ते 2, तो गिनती आप लिख ली आर की वैल्यू 0 हो सकती है 1 हो सकती है तो 2 हो सकती है, तो हूँ उही काम आर की थान 0 भरना 1 भरना 2 भरना, तो ए बराबर 3Q ए बराबर 3Q/1 ए बराबर 3Q/2। मेरे कहने का मतलब बेटा कि देखो असी नंबर लेने हैं जिन्ना साढ़े तो सॉल्व हो सकता असी करना है, असी शुरू तो करिए किसी सवाल को खत्म जरूर हो जाएगा, तो इतने तक तो असं ऑलरेडी जो दूजा सवाल किया है वो वांगू ही कर रहे हैं, तो इस करके इतने तक तो एटलीस्ट सारे बच्चों को आना ही चाहिए आ, सिर्फ एक यूक्लिड वंड विधि लिखी है। ठीक है, उस तो बाद बी नू 3 मान के आर की वैल्यू 3 तो छोटी होगी, मतलब 0, 1, 2 वो आर की थान पुट की है। हूँ उन्हें क्या है वर्ग बेटा, तो तुहाडे कोल जिन्नियां रकम आ गई ए बराबर 3Q, 3Q/1, 3Q/2, तिना के वर्ग लेने हैं बेटा, ए बराबर 3Q लेके दोनों पासे वर्ग ले लिया, तो ए की घात 2, 3Q की घात 2, घात एक खुली 3 की घात 2 9 हो गया, Q के उपर घात 2 लग गई। हूँ ये आप 3 ही कॉमन कटना, क्योंकि उन्हें क्या सा आंसर 3×something होना चाहिए आ 3m, तो 9 भी कट सकते थे पर आप 3 कटिया, जो 3 कटिया तो ब्रैकेट कि लिखा कि 9 बन जाए 3Q की घात 2, 3 इनू की मान लिया आप एम, तो ए की घात ए का वर्ग किया तो वह 3m के बराबर आ गया ना। हूँ अगली बारी हूँ अगला चुका ए बराबर 3Q/1 ले लिया, दोनों पास फिर वर्ग ले लिया, पर इतने वर्ग लैके हूँ प्रॉब्लम यह आ गई कि सानू ए जमा बी की घात 2 का फॉर्मूला लाना पैना है, वो फॉर्मूला क्यों होता है ए की घात 2 जमा बी की घात 2 जमा 2 ए बी, लग गया ना देखो फॉर्मूला,
यदि घात दो खोली तो नौ क्यू की दो बन गया जमा एक की घात दो एक ही होंगे आ तीन दूनी छे तो क्यू आ गया। हुण किहड़े दो अखर के सारे चो या किसी किसी चो तीन कॉमन निकल सकता है। तीन के बड़े तो नौ भी आता है छे भी आता है पर एक नहीं आता। असी नौ तो छे वाली रकम इकट्ठी कर ली एक साइड पर कर लिया तो इन्हें दोनों के तीन बार कट लिया। जो तीन बार कटिया तो हूँ नौ बनाने लिए किन्ने होर चाहिए आ तीन तीया नौ तीन चाहिए है नाल क्यू की घात दो छे मिलने लिए तीन कट चुके तीन दूनी छे होंगे इस करके दो क्यू लिख लिया ताकि जो ब्रैकेट आप खोलीए तो वापस उही रकम आ जाए। प्लस एक क्यू के तीन नहीं निकल सकता सू की बढ़ाता गया एम तो हूँ तीन एम जमा एक तो उन्हें कहा सू कि तीन एम जमा एक बन जाए ज तीन एम बन जाए दोनों चो कोई एक बनाना ही बनाना आ तो असी तीन एम जमा एक बना लिया। हूँ वारी तीजे की ए बराबर तीन क्यू जमा दो की फिर वर्ग लै लिया। हूँ इतने भी ए जमा बी की घात दो लानी सी तो ए की घात दो जमा बी की घात दो जमा दो ए बी। हूँ ए की घात दो लाई नौ क्यू की दो बन गया जमा दो की घात दो चार बन गया जमा गुणा की तीन दुनी छे छे दुनी बारह क्यू आ गया। हूँ तीन ए भी निकलता है तीन ए भाड़े पर भी आता बारह भी आता पर चार तीन के भाड़े पर नहीं आता पर चार तीन तो व्डा तो है ना। हूँ भाग ए मतलब तीन नाल चार भी हो सकती है ना भाग तो पर चार तोड़ता तीन जमा एक याद रख लो कदे भी तुहाडे कोल इदां कुछ क्वेश्चन आ जाए जो वड्डी रकम आ जाए पर भाग तुसीं तीन तो कर रहे हो तो तोड़ना पांच हुंदा तां तीन जमा दो अठ हुंदा तां तीन अठ हुंदा तां फिर छे जमा दो मतलब तीन ते भाड़े की वड्डी रकम लिखनी हुंदी है। मैं चार नूं की लिख लिया तीन जमा एक। हुण इन्हां तिन्हां दे विचों तीन बार कट लिया। हुण नौ बनाउण लई तीन चाहीदा सीगा नाल क्यू दी दो बारह बनाउण लई चार चाहीदा आ नाल क्यू तीन बनाउण लई तीन एकम तीन एक चाहीदा आ ते हुण तीन एम जमा एक बन गया। तो इस तरह आप सिद्ध कर लिया कि साढ़े को तीन रकम आई सियाँ तिना का वर्ग लिया तो साड़ा आंसर या तो तीन एम बन गया या तीन एम प्लस वन बन गया। तो मैं लास्ट लाइन देखो की लिख रही क्वेश्चन चुकी सारी सारी लाइन इस तरह किसी धनात्मक संपूर्ण संख्या का पूरा क्वेश्चन उतार लिया बेटा तो ये साड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।